अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पनीर बटर मसाला। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल और 2 टेबलस्पून बटर गरम करा है। साथ ही उसमें हम अब थोड़ा अखा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता है। उसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फिर उसमें 1 बड़ी प्याज स्लाइस की हुई ऐड करेंगे और उसे थोड़ा पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर चॉप करे हुए डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे। अब फिर हम मसाले डालेंगे, जैसे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। मिला देंगे, थोड़ा पानी डाल के उसे पका लेंगे। अब 8 से 10 काजू डालेंगे और उसे भी मिक्स करके थोड़ी देर ढककर पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 20 मिनट। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, मैंने क्या किया है, एक डेगची में पानी गरम किया है, तेज़ गरम किया है और उसमें 300 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं। ये क्यों किया है हमने, कि इससे हमारा पनीर सॉफ्ट रहेगा। और इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है और फिर मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम टमाटर और प्याज का मसाला चेक कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बिना ढके पकाएंगे, जब तक इसका पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाता और इसे फिर हम कम्प्लीटली कूल डाउन कर देंगे, यानी ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके टमाटर के छिलके निकाल लेंगे, इसीलिए टमाटर हमने बड़े टुकड़ों में काट के डाला था। अब इसे हम ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बनाएंगे और उससे पहले हम तेज़पत्ता और दालचीनी को भी निकाल देंगे, फिर हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, फाइन पेस्ट। अब हम सेम कढ़ाई में ही तेल और थोड़ा बटर गरम करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और इसे फ्यू सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। अब इसमें जो तैयार की हुई पेस्ट है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक हम पका लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम हमारी ग्रेवी को चेक करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच शक्कर और पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से इसे हम चला लेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे और फिर 5 मिनट ढककर पका लेंगे। अब कसूरी मेथी लेंगे 1 चम्मच और उसे अपने हथेलियों के हाथों क्रश करके उसे ग्रेवी में ऐड करेंगे। 2 टीस्पून क्रीम के भी ऐड कर देंगे।
और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिर से हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब ये हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो गया है सर।